कथा इलेक्ट्रॉन हैविंग मास एम एंड काइनेटिक इनर्जी इंटर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर टू इट और इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है चलो अब इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालेंगे यार अगर मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर है जो कि मेरा फेवरेट है तो यहाँ से अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन है जो सेंटर ओ आर रेडियस की वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो हमें इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है यार इलेक्ट्रॉन के पास खुद का मास अपना खुद का मास एम है और काइनेटिक एनर्जी ई है इसके पास काइनेटिक एनर्जी ई है तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी ऑलरेडी प्रेजेंट है और फ्रीक्वेंसी एफ की कैलकुलेशन हमें करनी है चलो तो फ्रीक्वेंसी एफ की कैलकुलेशन हम लोग कैसे करें तो फ्रीक्वेंसी अगर एफ देखोगे फ्रीक्वेंसी इसको भी इज्कल टू आर ओमेगा से भी कर सकते हो हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए तो वेलोसिटी वी की जो वैल्यू है वो तो वैसे ही रहेगी रेडियस आर क्या होता है एम बी ओवर क्यू भी होता है और ओमेगा इज इक्वल टू टू पाई फ्रीक्वेंसी होता है तो v ने v को ख़त्म कर दिया तो इस पर चार्ज ई है तो ई बी अपन टू पाई m और मल्टीप्लाइड बाई फ्रीक्वेंसी तो ये ई और टू पाई m ई बी टू पाई m मतलब ई बी टू पाई m मतलब ये वाला ऑप्शन सही है तो ये तो फर्स्ट मेथड हो गया अभी इज इक्ल टू आर ओमेगा सर्कुलर मोशन से कर दो अगर फ्रीक्वेंसी चाहिए तो इससे भी लगा सकते हो कि टाइम टाइम इज इक्वल टू टाइम पीरियड इज इक्वल टू डिस्टेंस टेबल टू पाई आर और डिवाइडेड बाई लीनियर वेलोसिटी भी अब टाइम पीरियड इज इक्वल टू वन होता है और टू पाई वेलोसिटी भी रेडियस आर की वैल्यू अगेन एम भी ओवर क्यू भी होती है तो ये भी ने वी को ख़त्म कर दिया तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी ई बी अपन टू पाई एम ये वाली जो चीज़ है वो हमें मिल जाएगी प्यारे बच्चों तो फाइनली मुझे यही मिल रहा है दोनों मेथड से इससे भी, भी कर सकते हो उससे भी कर सकते हो सेकेंड मेथड से जो आपको अच्छा लगे जो आपको पसंद लगे उससे आप कर सकते हो